नहीं पता, सिर्फ ये बता दूं कि वो जो आप पे गाना भी क्राइस्ट वे सब तो सोने, वो उस वक्त का सबसे महंगा तरीन गाना था और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कमाल साहब थे, मगर ये गाना नज़ीर अली साहब ने किया था, ये शायद आपको भी नहीं पता। ये पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये नज़ीर अली साहब ने किया और उस वक्त का महंगा तरीन गाना, बातें तो बड़ी हैं, मगर वो जो हबीब जादव साहब ने मेरे साथ बैठ के, मैं क्योंकि असिस्टेंट था तो वो ये एजाज है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, मिले थे बहुत हम सफ़र जिंदगी में, नहीं याद किसको कहाँ छोड़ा है। अल्लाह, ये ए आर गुल जो हमारे सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं, ये उनका मेडल है। बहुत अच्छा कलमकार है, बहुत अच्छा लिखता है, कभी कभी बहुत तनकीद भी करता है, लेकिन बहुत अच्छा लिखता है। साजिद आरई अगर बैठे हैं तो साजिद आरई तशरीफ लाए। एक मिनट, रफीक मुगल साहब कहाँ है? रफीक मुगल साहब,
अमन अली हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं, अभी फिर परफॉर्म करेंगी। अमन अली से मैं मुल्तमिस हूं कि प्लीज स्टेज पर खुसूसी तौर पर आज यहां परफॉर्म किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि एवरग्रीन वहीदपुरा क्लब सिकंदर रफी साहब अपना गाना वही। देखिए बात यह है कि ये समंदर जैसी शख्सियत मेरे सामने बैठी और मुझसे फरमाइश है मोहतरम शाकिर साहब की के बहुत मुख्तसर कर दें, यानी समंदर को कूजे में बंद कर दें। भाई दरिया को तो कूजे में बंद किया जा सकता है लेकिन समंदर को कौन करेगा। मोहतरम कुछ लोग महदूद काम भी करें तो उनकी शख्सियत लामहदूद होती है, तो यहाँ तो काम भी लामहदूद हुआ और शख्सियत भी लामहदूद है। वो है ना, क्योंकि मेरे सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है मोहतरमा निशा बेगम फिल्म स्टार हमारी, इनकी कुछ फिल्मों के मैंने मकाल में लिखे, इनकी अदायगी में कहीं मुझे एक्टिंग का शायबा नहीं हुआ। ये हमारे मशरिकी हुस्न की तस्वीर है, आप यकीन कीजिए। आपके इनके जो गालों में पड़ने वाले गड़े हैं ना, जिन्हें डिंपल बोलते हैं, कई उशाक जो हैं उनके दिल जो हैं वो सीने से निकले और भागते हुए फिसलते हुए इस गड़े में गिर गए। ये गड़े दिल संभालने का हुनर भी जानते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं निशा बेगम को स्टूडियोज की फ्लोर्स में राहदारियों में जब चलते हुए देखता था तो मुझे लगता था कोई खातून है जो पानी पे चल रही। इस कदर नस्तालीकियत तबीयत में थी। सर अभी सर ने कहा जी बड़े सी शायर शायरा भी हैं और आप ये हैं, और जो कभी जिन्हें वक्त शायर कर देता है वो सच्ची बातें कहते हैं। ये सच्ची बातें कहने वाली फनकारा जिसकी परफॉर्मेंस में भी, इनके परफॉर्मिंग आर्ट में भी मुझे हमेशा से, जब भी मैंने इनको पर्दा सीनी पे देखा या मेरे काम, चले मैं अपनी तो नहीं फिल्मों की बात करता, मैं उन फिल्मों की बात करूँगा जो समाज जैसी फिर बाजी में तो ये जैसे ही आई सबने कहा, लेकिन मैं सर ये कहूँगा बाजी में आई और आते ही बाजी ले गई। चूंकि इतने कदावर लोगों के दरमियान खड़े होकर कॉन्फिडेंस से काम करना, एक खान पान, एक बूटे से कद की एक लड़की, एक हसीना जिसके आप अब कभी गौर से देखिए कितनी खिजाएं कितनी बहारें आके गुजरी हैं, लेकिन खिजा रूतने निशा बेगम पे आज भी कोई असर नहीं।
वजह इनका खूबसूरत दिल है। लोग समझते हैं कि बुढ़ापा जो है, ये जब वक्त गुजरता है, एज होती है तो लोग, लेकिन जो लोग दिल से बूढ़े हो जाते हैं और जहन से बूढ़े हो जाते हैं वो सचमुच बूढ़े हो जाते हैं मेरी तरह। निशा बेगम लाजवाब हमारे मुल्क की फनकारा हैं। ये सब झूठ हम लोग करते हैं। देखिए ना, मैं लिखता हूँ, कोई शूट करता है, एक्टर रिप्रोड्यूस करता है। निशा बेगम मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी, जरा सी तवज्जो कर लीजिए और समझ खराशी जो है मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा माफ़ कर दीजिएगा। अक्सर जब परफॉर्मिंग आर्ट में आप देखते हो, किसी राइटर ने लिखा है, किसी डायरेक्टर ने उसे शूट किया और आपने उसे रिप्रोड्यूस किया है। रिप्रोड्यूस करते हैं आप, और जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो तो झूठ ही होता है ना। जो भी आपको रोल दिया जाता है, कोई किरदार दिया जाता है, वो झूठ होता है। लेकिन ये सच आज बयान करूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा कि मैंने अक्सर उस झूठ पे आपके परफॉर्मेंस में सच का गुमान दिया। वो शायर जिसकी कुर्बत ने निशा बेगम को भी शायरा बना दिया। आप यकीन कीजिए कि तकती करने वाला शायर बड़े कम होते हैं। बहुत शायर तो बहुत हैं, लेकिन तकती करने वाले शायर, वो तो खैर खानदानी शायर थे, उस निस्बत ने, उस कुर्बत ने निशा बेगम को वाकई शायरा बना दिया। चूंकि आप यकीन कीजिए कि गुना धम जिन्स बा हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, तो तस्नीम फाजली साहब को भी मैं इस हवाले से कि उन्होंने इतनी हसीन शायरा को मजीद जो है हसीन कर दिया, मैं उनको भी खराज तहसीन। वो कहते हैं कि ताबे नजारा नहीं आईना क्या देखने दूं, ताबे नजारा नहीं आईना क्या देखने दूं, और बन जाएंगे तस्वीर तो हैरान होंगे। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुनीर नियाज़ी साहब ने एक शेर कहा था, वो भी इन पे सादिक बैठता है। उन्होंने कहा कि हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है मुनीर, हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है मुनीर, आग में जलता हुआ या बर्फ में सोया हुआ। अब ये आप फैसला कीजिए कि आग में जलता हुआ हुस्न आप देख रहे हैं या बर्फ में।